व्यवसाय ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को अन्याय योजना बताते हुए किसानों के आधे अधूरे भुगतान पर चिंता जताई और प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव को उनकी चुनौती भी याद दिलाई। विष्णुदेव साय ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीते दिनों कहा था कि किसानों को अंतर की राशि नहीं मिलेगी तो वह इस्तीफा दे देंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि चार दिन बाद प्रदेश भर में एक माह की देरी से धान खरीदी शुरू हुई होनी है। ऐसे में किसानों को छलने वाली प्रदेश सरकार पिछले वर्ष के बकाया का पूरा भुगतान अब तक नहीं कर पाई। ये दुर्भाग्यजनक है कि दुर्भाग्यजनक ही नहीं, राजीव गांधी न्याय योजना के नाम पर प्रदेश के किसानों को छलने और ठगने का प्रमाण है।